अ साउथ एशियन कैनेडियन चैनल। आपा देख रहे हैं पिछले कुछ सालों तो भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी है वह कांग्रेस युक्त हो रही है। हालांकि जो मोदी साहब सत्ता च आए थे उन्होंने कहा कि असी कांग्रेस मुक्त भारत हिंदुस्तान बनाना भारत को बनाना है, लेकिन जिहड़ा पिछले 5-4 साल का ट्रेंड है वो ये हो रहा भी बीजेपी जिहड़ी है वह कांग्रेस युक्त बनती जा रही। और उस कड़ी च कल देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने पंजाब कांग्रेस का कुछ रिजैक्टेड माल जिहड़ा है या रिजैक्टेड लीडर कह लो या ईवन असी तो इलेक्शन तो पहला भी कहा सी भी कांग्रेस का जिहड़ा कूड़ा कचरा है उन्हें भारतीय जनता पार्टी शामिल करवाया। और जिहड़े लोग शामिल करवाए कल बीजेपी ने कांग्रेस के जिहड़े साबका लीडर या साबका जिहड़े वजीर उन्हां बारे बीजेपी की राय है मैं तुहानूं उहदे बारे ये चानना देना है कि बीजेपी इन्हां लीडरां बारे की सोचती सी या की कहिंदी सी या किहड़े दावे करती सी। उस मुद्दे ते ही मैं अज गल करूंगा। कल अमित शाह जी ने कांग्रेस के साबका वजीर सुंदर शाम अरोड़ा जिहड़े MLA रहे और मंत्री रहे इंडस्ट्री दे और कमर्स दे मिनिस्टर रहे आ उन्होंने कल बीजेपी ज्वाइन कराई। सुंदर शाम अरोड़ा बारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और पंजाब के लोकल बॉडी मिनिस्टर रहे तीक्षण सूद जी बीजेपी के तीक्षण सूद जी ने यह गल कही और एलीगेशन लाए सी पिछले दिनों कि जिहड़े सुंदर शाम अरोड़ा है उन्होंने इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर होने के टाइम मोहाली विच इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की 31 एकड़ जमीन जी की वैल्यू 450 करोड़ रुपए बनती सी उन्हें उस कंपनी के नाँ पर किया जिस कंपनी सुंदर शाम अरोड़ा जिहड़े कांग्रेस के साबका वजीर है जिहड़े हुण बीजेपी ज्वाइन कर गए उस कंपनी हिस्सेदार सी। यानी कि बीजेपी के सीनियर लीडर जिस बंदे 450 करोड़ का घपलेबाज मनते हैं एज ए मिनिस्टर उन्होंने करप्शन की और एलीगेशन बीजेपी ने लाए आ उस अरोड़ा साहब नू कल होम मिनिस्टर ने जिहड़ा है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराया। इस कड़ी च पंजाब के साबका हैल्थ मिनिस्टर बलवीर सिंह सिद्धू साहब जिहड़े मोहाली तो साबका MLA आ और जिन्हों का हारन का मार्जन दुगुना इस करके हो गया कि उन्होंने जिहड़े सके भरा मेयर है उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया उन्होंने बहुत सारे करप्शन के चार्जेस आ। बलवीर सिंह सिद्धू साहब बारे भारतीय जनता पार्टी पंजाब की यूनिट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बलवीर सिंह सिद्धू ने एज ए हैल्थ मिनिस्टर जो कोविड के दौरान फतेह किट जी आई सी लोगों को वंडन वास्ते उस करोड़ों रुपया का घपला किया है स्कैम किया है स्कैंडल किया है। बीजेपी की पंजाब लीडरशिप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गल कही सी कि बलवीर सिद्धू साहब जिहड़े साबका हैल्थ मिनिस्टर है कांग्रेस के लीडर जिन्हों अमित शाह जी ने कल ज्वाइन कराया उन्होंने 5 करोड़ तो वध गोलियां जड़ियां बजाए सरकारी सेंटरां नूं देण दे प्राइवेट सेंटरां नूं वेचतियां। ये एलीगेशन बीजेपी की स्टेट लीडरशिप की प्रेस कॉन्फ्रेंस दे। इस कड़ी च आपां जाइए वेरका साहब कांग्रेस जिन्होंने सारी उम्र लाई MLA भी रहे आ SC कमीशन के चेयरमैन भी रहे आ। राजकुमार वेरका जी नूं मेरा सवाल है कि वेरका साहब तुसी थोड़े दिन पहला कह रहे सी कि देश दे प्रधानमंत्री मानयोग नरेंद्र मोदी एंटी दलित हैं। वेरका साहब जिहड़े साबका कांग्रेस के लीडर सी जिन्हां नूं अमित शाह जी ने कल ज्वाइन कराया उन्हां दी ये स्टेटमेंट है कुछ दिन पहला कि
मोदी साहब अंबेडकर साहब की विचारधारा के भी खिलाफ है और मोदी साहब दलित भाईचारे के भी खिलाफ है। बीजेपी की पूरी जिहड़ी आइडियोलॉजी है वह एंटी दलित है, इन्हां दा किरदार है। इसे कड़ी च मैं तुहानूं दसना चाहुंदा सारे साथियों, गुरप्रीत सिंह कांगड़ जिहड़े पावर मिनिस्टर रहे पिछली सरकार च कैप्टन अमरिंदर सिंह दे टाइम, जिन्होंने कल अमित शाह जी की मौजूदगी च भारतीय जनता पार्टी का दामन फड़िया, गुरप्रीत सिंह कांगड़ ने अपने जवाई नू नियमां नू ताक दे रखते हुए सारिया रूल एंड रेगुलेशन गाइडलाइन की वायोलेशन करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इन्हां दे जवाई नू नौकरी दित्ती सी। ते भारतीय जनता पार्टी तो कहती असी नैपोटिज्म असी परिवारवाद के खिलाफ है, ये तुहाडा चेहरा है, ये तुहाडी असलियत है, ये लोगों का जिहड़ा दोगला किरदार है, जिहड़ा डबल स्टैंडर्ड है, वह पंजाब के लोगों के सामने है। पहला ये लोगों ने इन्हों लोगों पर बीजेपी एलीगेशन ला रही है, लगातार ला रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह नू इन्हां दे परिवार दे मैंबरां नू नौकरियां देण च नियमां नू ताक ते रख के जिहदे च जिहड़ी एक इनकम बेसिक होंदी उह वी उस तों वध सी उन्हां दे जवाई दी, टाइम भी गुजर चुकिया सी जिहड़ा नौकरी देण दा, कंपोशनेट ग्राउंड ते नौकरी देनी सी। सो इस तरीके नाल इहो जिहे लोकां नू भारतीय जनता पार्टी ने जिहड़े कांग्रेस का कचरा है उन्हूं कल ज्वाइन करवाया, लेकिन पंजाब के लोग जानते हैं कि इस तरीके जिहड़े फतेह जंग बाजवा है पुराने कौ बीजेपी के हो गए जिन्होंने बीजेपी वालों लीडर MLA की इलेक्शन लड़ी आ, फतेह बाजवा साहब के खिलाफ भी एलीगेशन सी कि उन्होंने अपने बेटे को DSP की नौकरी कैप्टन अमरिंदर सिंह के टाइम वायोलेशन ऑफ रूल तो करते हुए गाइडलाइन वायोलेट करते हुए फतेह जंग बाजवा की इस तरीके की असलियत है। ये लोग जिहड़े आ जिन्हां ने कल कांग्रेस तो भाजपा वल मोड़ा मोड़िया, ये पहला सत्ता दे लालची है, सत्ता दे नेड़े रहण दी इन्हां दी आदत है, पंजाब नूं लुट कसुट दे इन्हां दे दोष है। लेकिन ये ना सोचण कि ये बच जाणगे, जिस जिस बंदे ने पंजाब की लुट कसुट कीती है, जिहड़े जिहड़े बंदे ने पंजाब दे आउण वाले जनरेशन का भविख जिहड़ा डार्क कीता, भविख खराब कीता, जिहड़े कांग्रेस की सत्ता च भी रह के वो अज जिस तरीके नाल ये कचरा बीजेपी च गया, मेरा बीजेपी नूं भी सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी आइडियोलॉजी की गल करती आ, विचार की गल करती है, कि तुहाडे को पंजाब च कोई लीडरशिप पैदा ही नहीं हो पाई इन्ने सालां च, जां तुहाडी पंजाब दी जिहड़ी लीडरशिप है इन्नी कंपीटेंट ही नहीं है कि तुहानूं जिहड़ा कांग्रेस का कचरा जिहड़ा है वह बीजेपी च लिआउणा पै गया। और बीजेपी को ऐसी कि मशीन है, मेरा अमित शाह जी नूं सवाल है, मोदी साहब की सरकार नूं सवाल है कि तुहाडे को ऐसी मशीन है कि जिहड़ा डिफाल्टर बंदा हुंदा, जिहड़ा दोष जिते दोष लगते आ, करप्शन दे लगते आ, इररेगुलरिटीज़ दे लगते आ, उन्हां तुसी अपने वाल लिया के कि दवाई पिआने हो, कि घुट्टी पिआने हो कि वह साफ हो जाते आ। सो पंजाब दे लोग जानते आ, पंजाब दे लोग इन्हां लोगों की असलियत भी जानते आ, ये पंजाब दे लोगों नूं बुद्धू समझते आ तुसी कि इधरों नहीं तो इधर पाला मार के तो असी बच जाएंगे, ये कम पंजाब च नहीं जो होना, तुहाडी असलियत पंजाब दे सामने आ। और ये लोगों भी आने वाले टाइम च पंजाब दे लोगों ने रिजैक्ट करना, बेसिकली ऑलरेडी रिजैक्टेड माल है, 2022 च सारे रिजैक्ट सी पंजाब दे लोगों द्वारा, लेकिन जिस तरीके नाल ये पंजाब दे लोगों गुमराह करन दी कोशिश करदे आ, मूर्ख बनाउण दी कोशिश करदे आ, पंजाब दे लोग इन्हां नूं आने वाले टाइम च भी समझ सकणगे। अज दा जिहड़ा मुद्दा सी ओह इही सी, तुहाडा कोई सवाल होवे तां कर सकदे। A South Asian Canadian channel.